फ्रूट्स का या फ्रूट का बहुत से लोग कहते हैं कि फ्रूट्स तो होता ही नहीं है तो फिर हम फ्रूट्स नहीं कह सकते फ्रूट का फिर प्यूरल क्या होता है तो गाय ये क्या कन्फ्यूजन आपको भी है तो इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं फ्रूट के दोनों ही प्यूरल होते हैं आप फ्रूट भी कह सकते हो और फ्रूट्स भी कह सकते हो बट इट डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरीके से यूज़ किया है जब आप फ्रूट्स वो वैरायटी के सेंस में यूज़ करते हो जब आप वैरायटीज़ की बात करते हो फ्रूट के डिफरेंट टाइप्स की बात करते हो तो आप उसे फ्रूट्स कह कर बोलोगे यानी आपने उसको प्यूरल यूज करना है फ्रूट्स बट जब आप कोई टेस्ट की बात करते हो उसकी कोई क्वालिटी की बात करते हो जहाँ पर वो एक ग्रुप को दिखाता है पूरे ही सारे जो फ्रूट होते हैं उनके क्वालिटी को दिखाता है तो आप हाँ फ्रूट्स नहीं कहोगे क्योंकि आप एक ग्रुप को दी बात कर रहे हो जो कि सा, जिनके सारी ही प्रॉपर्टी और जो फीचर्स होते हैं वो सेम होते हैं तो उस सेंस में आप यूज करोगे फ्रूट लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एग्जांपल आई लव टू ईट फ्रूट या आई एंजॉय ईटिंग फ्रूट एनी टाइप एनी काइंड आई डिड नॉट मेंशन अ पर्टिकुलर टाइप और एनी वैरायटी सो हियर आई कैन से फ्रूट सेकंड सेंटेंस द शॉपकीपर इज सेलिंग वैराइटीज ऑफ फ्रूट्स या वैराइटीज ऑफ मैंगोस So here you must have understood when you talk about variety you can use fruits otherwise you have to say fruit. It means both are right. There are two plural for the word fruit fruit and fruits. I hope you understood.